Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. Standard 5. आज हम पढ़ेंगे बच्चों English. Okay students, next time हमने ये देखो ए लवली फेयर स्टोरी ये हमने स्टार्टिंग कर दी थी इसकी और अब हम इसको आज कंप्लीट करेंगे. बक्शीपुर इसमें क्या बताया गया है, ए लवली फेयर मीन्स एक बहुत प्यारा सा मेला. मेले में हम जाते हैं तो हमें मेले में तो बहुत ही मजा आता है, उसी मेले के बारे में हमको यहाँ पर बताया गया है. बक्शीपुर इज ए स्मॉल विलेज, बक्शीपुर एक छोटा सा गाँव है. देयर इज ए फेयर इन द विलेज टूडे मीन्स आज बक्शीपुर में क्या है, मेला है. इस छोटे से गाँव में आज क्या है बच्चों, मेला. टूडे इज आज, टूडे मीन्स क्या होता है, आज बक्शीपुर में मेला है. इट इज ऑन द रिवर बैंक मीन्स जो नदी, ये मेला कहाँ है, नदी के किनारे है. रिवर बैंक मीन्स क्या होता है, नदी के किनारे है. तो क्या होते है? ये मेला नदी के किनारे लगा है. मैन वुमन एंड चिल्ड्रन आर देयर इन द फेयर, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन आर देयर इन द फेयर. मतलब कि इसमें मैन आदमी, वुमन औरतें और बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे, आर देयर इन द फेयर. मतलब इस मेले में आदमी, औरत और बच्चे भी आए हैं. देखो ये रहा मेला, इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं आदमी, बच्चे और औरतें. लुक एट द शॉपकीपर्स, इधर इन दुकानदारों को तो देखो. There are shops are small. यहाँ की दुकानें कैसी है, छोटी है. कैसी है बच्चों, यहाँ की दुकानें छोटी छोटी है, इसलिए लिखा गया है लुक एट द शॉपकीपर्स देयर शॉप्स आर स्मॉल मीन्स यहाँ पे जो दुकानदार है उनकी दुकानें देखो कितनी छोटी छोटी है. देयर आर टॉय शॉप्स एंड फ्रूट शॉप्स इन द फेयर. इस मेले के अंदर क्या है बच्चों, टॉय शॉप्स. टॉय शॉप्स मीन्स खिलौनों की दुकान और फ्रूट शॉप्स मीन्स फलों की दुकान. इसमें क्या बताया गया हमको, टॉय शॉप्स एंड फ्रूट्स देयर फ्रूट्स इन द फेयर. मेले के अंदर खिलौनों की दुकान है और फलों की भी दुकान है. देयर आर टी स्टॉल ऑल्सो, और इधर बहुत सारी टी स्टॉल. टी स्टॉल मीन्स क्या होता है, चाय की दुकानें भी है. रानी एंड रहीम आर एट द फेयर, मतलब रानी और रहीम इस मेले में आए हैं. रानी और रहीम कहाँ आए बच्चों, इस मेले के अंदर आए हैं. रानी इज 5 ईयर ओल्ड, रानी कितने साल की है, रानी 5 साल की है. 5, रानी 5 साल की है. रहीम इज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 5, तो रहीम कितने में, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चों, रहीम 5 में पढ़ता है, स्टैंडर्ड 5 लिखा है इधर. इसलिए क्या बोल रहे इसमें कि रानी 5 ईयर की है और रहीम जो स्टैंडर्ड 5 में पढ़ता है. नेक्स्ट पेज. रानी इज देयर ए बलून मैन इन द फेयर, रानी क्या बोलती है, रानी कहती है क्या इस मेले में कोई फुग्गे बेचने वाला आदमी मिलेगा हमको, इधर जो फुग्गे दे सकेगा वो फुग्गे बेचने वाला आदमी मिलेगा. रहीम यस देयर इज, हाँ इधर तो बलून वाला होगा ही. मतलब कि क्या बोल रहा है, रानी ने पूछा कि क्या इधर कोई फुग्गे बेचने वाला आदमी होगा, तो रहीम बोल रहा है यस हाँ यहाँ पे तो फुग्गे बेचने वाले आदमी होंगे. रानी वेयर इज ही, मतलब कि कहाँ होंगे, यहाँ पर कहाँ होंगे, कहाँ मिलेंगे हमको. रहीम लुक ही इज नियर द टी स्टॉल, मतलब रहीम क्या बोलता है, लुक मीन्स देखो, ही इज नियर द टी स्टॉल. नियर मीन्स क्या होता है, पास में. टी स्टॉल चाय की दुकान के पास में. क्या बताया गया है हमको इधर, रहीम क्या कह रहा है कि हाँ ये देखो इधर नियर द टी स्टॉल, मतलब कि वो देखो चाय की दुकान के पास में. रानी अखिल हु वेयर द चिल्ड्रन, ये कौन से बच्चे हैं, रानी क्या बोल रही है, ये कौन है जो ये बच्चे हैं जो उसके आसपास खड़े हैं, वो कौन है. हु कहाँ गया, हु द चिल्ड्रन, मतलब कि ये कौन से बच्चे हैं. रहीम दे आर माई नेरोस, दे आर अशीफ जोसेफ वेदांत भाविक एंड नचिकेता मीन्स की देखो रहीम क्या बता रहा है, दे आर माई नेरोस. नेरोस नेरोस क्या होता है, पड़ोसी. नेरोस मीन्स होता है बच्चों पड़ोसी, ये मेरे पड़ोसी हैं. ये
आशिफ है, ये जोसेफ है, ये वेदांत है, ये भाविक है एंड नचिकेता. ये कौन है? नचिकेता है. ओके रानी, व्हाट आर दे लुकिंग एट? व्हाट आर दे लुकिंग एट? वो क्या दिखाई दे रहा है? रानी पूछ रही है रहीम को कि वो क्या दिखाई दे रहा है. रहीम, रहीम से कलरफुल बलून्स. रहीम क्या बोलता है? कलरफुल बलून्स है, ये तो रंग बिरंगी फुग्गे हैं. ये क्या है बच्चों? रंग बिरंगे बलून, रंग बिरंगी फुग्गे हैं. रानी, व्हाट इज दैट रहीम? वो क्या है रहीम? फिर रानी ने देखो कुछ देखा और रानी क्या पूछ रही है? व्हाट इज दैट रहीम? ये क्या है रहीम? इट इज कॉल्ड ए मैरी गो राउंड. इट इज ए स्मॉल, मतलब ये क्या है? मैरी गो राउंड. ये क्या है बच्चों? मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड मीन्स क्या होता है? चकडोल. अगर हम मेले में जाते हैं उधर देखो ऐसे लगे होते हैं, ये लगे होते हैं चकडोल. इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैरी गो राउंड कहते हैं. इट इज कॉल्ड ए मैरी गो राउंड, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मैरी गो राउंड. इट इज ए स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है. देखिए ये छोटा है. मैरी गो राउंड कैसा है? छोटा है. लुक एट द जायंट व्हील, मतलब एक बड़ा सा चक्का, चकडोल. बड़ा सा चक्का क्या होता है बच्चों? जैसे हमने इधर स्मॉल, इधर छोटा चक्का देखा, वैसा ही देखो ये बड़ा चक्का है, ये बड़ा चकडोल है. इसको क्या कहते हैं? गाइंट व्हील. गाइंट व्हील मीन्स बड़ा चक्का. नियर द मैरी गो राउंड इट इज ए हग, मीन्स की ये जो बड़ा सा चक्का है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है? वो छोटे से चकडोल को हग कर रहा है, गले लगा रहा है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है. देखो इधर क्या लिखा है कि जायंट व्हील नियर द मैरी गो राउंड इट इज हग, मतलब कि देखो इसको ये गले लगा रहा है, ऐसा हमको पता पड़ रहा है. रानी, लेट्स बाय आइसक्रीम. वेयर इज दिस आइसक्रीम स्टॉल? स्टॉल मीन्स की रानी क्या कहती है? चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं. रानी क्या बोलती है बच्चों? चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं. लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम की दुकान कहाँ है? वेयर इज द आइसक्रीम स्टॉल, मतलब इधर इस दुकान, इधर आइसक्रीम की दुकान कहाँ है? रहीम, इट इज अंडर दैट ट्री नियर द जायंट व्हील, मीन्स की देखो वो, देखो वो क्या बोलता है रहीम? वो देखो वो पेड़ के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, दैट ट्री, ट्री के, ट्री दैट अंडर मीन्स पेड़ के नीचे, नियर द जायंट व्हील, मतलब देखो वो बड़े से चक्के के पास में. रानी, लेट्स गो देयर, आई विल टेक ए बिग कप. रानी क्या बोलती है? चलो जल्दी खाने चलो, मैं तो खाने जा रही हूँ, मैं तो बड़ा वाला कप लूंगी, मैं तो आइसक्रीम का कैसा कप लूंगी? बड़ा कप लूंगी. देखो आई विल टेक ए बिग कप, मतलब टेक मीन्स मैं तो लूंगी, मैं तो कैसा कप लूंगी बच्चों? बिग कप लूंगी. तो रानी कहती है लेट्स गो देयर, आई विल टेक ए बिग कप, मैं एक बड़ा सा आइसक्रीम का कप लूंगी. रहीम, ओके. रहीम बोलता है ओके, ठीक है ओके. फिर स्टोरी नेक्स्ट पेज. रानी, हु इज दैट मैन? रानी पूछती है ये आदमी कौन है. रानी क्या पूछ रही है रहीम को? ये आदमी कौन है? रहीम, ही इज ए जगलर, यह जादूगर है. यह क्या है बच्चों? जादूगर. ये देखो हमको दिखाई दे रहा है, इधर जादू करके दिखाई दे रहा है, ये जादू कर रहा है. तो इसीलिए रहीम बोलता है ही इज ए जगलर. जगलर मीन्स जादूगर. That is a box in his hand. देखो उसके box, उसके हाथ में क्या है? Box है. देखो बच्चों उसके हाथ में हमको दिखाई दे रहा है box. इसलिए वो कह रहा है That is a box in his hand. मतलब उसके हाथ में एक box है. It is empty. It is empty मतलब वो box कैसा है? खाली है. Empty means क्या होता है बच्चों? खाली. वो box कैसा? जो जादूगर के हाथ में box है वो कैसा box है? खाली box है. There are balls near him. मतलब उसी के पास में क्या पड़ी है? Balls पड़ी है. Near means हमने बताया था अभी, near means पास में. उस जादू जगलर के पास में, जादूगर के पास में क्या है? Balls है. इसलिए लिखा है इधर near, balls near him. Bottles are on the table. Bottles कहाँ रखी है? ये bottles कहाँ रखी है बच्चों? टेबल के ऊपर. On means क्या होता है? ऊपर होता है. बॉटल्स आर ऑन द टेबल. बॉटल्स कहाँ है? टेबल के ऊपर है. ओके हमने देखा इधर जगलर को. जगलर क्या कर रहा है? एक जादू दिखा रहा है. वो उसके हाथ में एक बॉक्स है और वो बॉक्स कैसा है? खाली है. और उसके टेबल पे देखिए इतने सारे खाली बॉक्सेस पड़े हैं, बॉल्स हैं, और टेबल के ऊपर ये बॉटल्स भी रखी है. रानी, रहीम, लुक एट द गर्ल.
मतलब रानी कहती है रहीम देखो वो उस लड़की को, रहीम रानी क्या कहती है रहीम उस लड़की को देखो, शी इज ए रॉक वॉकर, मीन्स देखो वो लड़की कैसे रस्सी पर चल रही है, शी इज ए रॉक वॉकर, रॉक वॉकर मीन्स क्या होता है रस्सी पे चलना, शी इज ए रॉक वॉकर, शी इज ऑन दैट, मतलब देखो वो रस्सी के ऊपर चल रही है, शी इज ऑन दैट रॉप, वो देखो रस्सी के ऊपर चल रही है, देखो बच्चों हमको इधर रस्सी के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है लड़की, देयर इज ए लॉन्ग बम्बू इन हेयर हैंड्स, मीन्स देयर देखो उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी है, एक बांस की लकड़ी है, बम्बू को क्या बोलते हैं, बम्बू मीन्स एक बांस की बड़ी सी लकड़ी, देयर इज ए लॉन्ग बम्बू इन हेयर हेयर हैंड, मीन्स की उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बांस की लकड़ी है, दैट इज हेयर फादर, वो देखो उसके पापा हैं, वो दिखा रही है रानी क्या दिखा रही है रहीम को कि देखो वो उसके पापा हैं, दैट इज हिज ड्रम, देखो वो क्या कर रहे हैं ढोलक बजा रहे हैं, देखो इसमें हमको दिखाई दे रहा है वो क्या बजा रहे हैं ढोलक, ड्रम मीन्स ढोल, तो क्या दैट इज हिज ड्रम, ये क्या कर रहे हैं ढोल बजा रहे हैं, रहीम वाव इट इज वंडरफुल ट्रिक, मतलब रहीम क्या कहता है वाव यह कितना अद्भुत नजारा है, यह कितनी अद्भुत रीत है, कितनी सुंदर है, वाव बख्शीपुर इज फेयर इज लवली फेयर, बख्शीपुर एक बख्शीपुर का मेला बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा मेला है, ओके बच्चों इसलिए हमको लास्ट में बताया गया बख्शीपुर फेयर इज लवली फेयर, बख्शीपुर का मेला बहुत प्यारा मेला है, ओके बच्चों इस कहानी में हमने देखा, इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक रानी और एक रहीम है, वो स्टोरी बताते हैं कि वो एक बख्शीपुर मेले में गए थे, एक प्यारे से मेले में गए थे, और प्यारे से मेले में उन्होंने क्या क्या देखा, इस प्यारे से मेले में उन्होंने देखा कि इधर बहुत सारे बच्चे आदमी और औरत आए हैं, उधर ही शॉपकीपर्स मीन्स दुकानदार हैं, उसमें खिलौनों की दुकान है, फलों की दुकान है, और फिर दोनों खूब मेले में घूमते हैं, और मेले में वो लोग मस्त चकडोल देखते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, और रंग बिरंगी कलरफुल बलून्स मीन्स की रंग बिरंगी फुग्गे खरीदते हैं, और उन्हें बहुत ही मजा आता है मेले में, और वो मेले में क्या करते हैं, मेले में एक जादूगर को देखते हैं जो बहुत अच्छा जादू दिखाता है, और फिर एक वो सबसे अद्भुत चीज देखते हैं, क्या वो अद्भुत चीज ये देखते हैं कि एक लड़की अपने हाथ में बम्बू मीन्स लकड़ी लेकर रस्सी पर चलती है, और उसके पापा उसके बाजू में खड़े होके ढोल बजा रहे हैं, ये कितना अद्भुत नजारा है, ये सब देखकर उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए रानी और रहीम कहते हैं बख्शीपुर फेयर इज ए लवली फेयर, बख्शीपुर में बहुत ही प्यारा मेला लगता है, यह मेला बहुत ही प्यारा है, ओके बच्चों ये स्टोरी आज हमने कंप्लीट कर ली है, अभी आपको स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी, अब आपको क्या करना है होमवर्क में इस स्टोरी को रीड करना है एंड समझना है, ओके और अपनी नोटबुक में भी ये स्टोरी लिखना है, ओके थैंक यू।